नमस्कार अपूर्वाज किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे कद्दू के छिलके की भाजी। इसे एक बार आप बनाना सीख जाएंगे तो कद्दू के छिलके को आप फेंकेंगे नहीं, अब बार बार बनाकर इसे खाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाना कैसे है। कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों तेल डाल दें। चूँकि ये भाजी है तो इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तेल डाल देने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच 5 फोड़न और 1 पिंच हींग डाल देंगे। अब एक हरी मिर्च को अच्छे से धोकर फिर तोड़कर तेल में डाल दें। अब जो कद्दू के छिलके हैं इन्हें हम धोकर तेल में डाल देंगे। कद्दू को थोड़ा मोटा मोटा ही छीलें और इसके बाद छिलकों को अच्छे से धोकर फिर पतला पतला काट लेना है। छिलके के साथ मैंने बीज भी ले लिया है। इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे और इस तरीके से फैलाकर हाई टू मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर तक इसे चला लेने के बाद अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। फिर से इसे एक बार चला लें। हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद लीड लगा दें। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम में ही कुक करेंगे। 3 मिनट बाद इसका लीड हटा लें और एक बार इसे हम चला लेंगे। कद्दू के जो छिलके हैं ये पक जाएं तब हम इसे हाई फ्लेम में फिर से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसमें क्रंचीनेस आ जाए तब हम गैस ऑफ कर देंगे। तैयार है कद्दू के छिलके की भाजी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे बताना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रही हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।